तेलंगाना में लगभग 43 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है, जिसमें पानी और ऊर्जा दोनों की बड़ी मात्रा में खपत है। इसलिए कृषि विभाग ने किसानों का रुझान धान से हटाकर तिलहन फसलों की ओर करने के लिए एक विशाल विविधीकरण की योजना तैयार की है। इसके तहत सरकार मूंगफली और तिल इत्यादि की खेती को बढ़ावा दे रही है, जो कि अच्छी आमदनी देने वाली फसलें हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सब्सिडाइज्ड बीजों का वितरण कर रही है। साथ ही किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी इत्यादि भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से राज्य में बड़ी संख्या में किसान मूंगफली और अन्य तिलहन फसलों को अपना रहे हैं। 2020-21 के दौरान राज्य में 2,90,599 टन मूंगफली और 15,147 टन तिल का उत्पादन हुआ। दरअसल भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की थी, जिससे देश की तेल की जरूरतों के लिए हमें विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। तेलंगाना में मूंगफली और तिल जैसे फसलों के उत्पादन से जहां एक ओर देश की खाद्य तेल की जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो वहीं किसान भी आर्थिक समृद्धि की दिशा में बढ़ रहे हैं। सालों से हमारा परिवार धान की खेती करता आ रहा है, लेकिन अब हमने धान की जगह मूंगफली की खेती करना शुरू किया है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। गांव के अन्य परिवार भी मूंगफली की खेती को अपनाकर बहुत खुश हैं। 2021-22 में मूंगफली की फसल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जो कि धान के मुकाबले काफी अधिक है। आज मूंगफली के बढ़ रहे उत्पादन से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है।